हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो कि कॉल और पुट वर्टिकल स्प्रेड्स को कंबाइन करती है टू क्रिएट फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स। ये है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन द मार्केट दीज डेज ड्यू टू द चेंज इन मार्जिन रूल्स बाय द रेगुलेटर। दिस स्ट्रेटजी इज बीइंग वाइडली यूज्ड बाय द ट्रेडर्स एंड दे आर एक्चुअली लाइकिंग इट। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा and this is Espresso Bootcamp. Here, you will learn skills that will help you navigate your stock market journey. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे what is iron condor strategy, iron condor strategy के दो types, how to create long iron condor and short iron condor. जैसे straddle और strangle two leg strategies हैं, iron condor four leg strategy है जो कि call और put vertical spreads को combine करती है. The combination of bullish and bearish vertical spreads is used to create the iron condor trading strategy where the market is trading. Iron condor एक delta neutral strategy है। इसके दो types होते हैं, long iron condor and short iron condor. In both the cases, a trader will need two call options and two put options to construct this strategy. कॉल और पुट ऑप्शंस के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट होगी, पर एक्सपायरी डेट और अंडरलाइंग एसेट सेम होगी। लेट्स फर्स्ट चेक आउट द लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। इट इज अ नेट डेबिट स्ट्रेटजी, सो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल रिजल्ट इन अ नेट डेबिट, विच मीन्स अ ट्रेडर विल बी पेइंग अ स्मॉल अमाउंट टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए दो इनर स्ट्राइक ऑप्शंस बाय करने होते हैं और दो इनर स्ट्राइक सेल करने होते हैं। इसका मतलब है सारे ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी होते हैं। आपके स्क्रीन पे एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर के कंस्ट्रक्शन का चार्ट है। इस स्ट्रेटजी को इन चार स्टेप्स में फॉलो करके क्रिएट करते हैं। सेलिंग अ 17,800 पुट एट 30 रुपीज, बाइंग अ 18,200 पुट एट 74.8 रुपीज, सेलिंग अ 19,400 कॉल एट 26.4 रुपीज, बाइंग अ 19,000 कॉल एट 108.2 रुपीज। स्ट्रेटजी को निफ्टी मंथली ऑप्शंस पर क्रिएट किया है 29 दिसंबर की एक्सपायरी के साथ। अगर मार्केट दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहता है जहां ऑप्शन सेल किए हैं, तो इस स्ट्रेटजी से हमें लॉस बेयर करना होगा। टू गेन प्रॉफिट द मार्केट हैज टू गो बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट ऑन आइदर साइड। द अमेजिंग फैक्ट इज इवन आफ्टर यूजिंग फोर लेग्स इन दिस स्ट्रेटजी, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली एंड ओनली 37,204 रुपीज। अब देखते हैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्या होता है। ये एक नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी है, मतलब लॉन्ग ऑप्शंस आउटफ्लो की नेट वैल्यू शॉर्ट ऑप्शन आउटफ्लो से कम होती है। ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल तब होती है जब मार्केट सोल्ड स्ट्राइक्स के अंदर ही एक्सपायर होता है। इस स्ट्रेटजी का रिस्क प्रीडिफाइंड है, इसीलिए ज्यादा मार्जिन भी नहीं देना पड़ता एक ट्रेडर को। इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने का आइडियल टाइम हाई वोलेटिलिटी के टाइम होता है, जब ट्रेडर्स वोलेटिलिटी क्रश एक्सपेक्ट कर रहे हों। इसका वाइड यूज अर्निंग कॉल्स के टाइम होता है, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिजल्ट से पहले जस्ट पीक पर होती है। आपके स्क्रीन पर एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर के कंस्ट्रक्शन का चार्ट है। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर को चार ऑप्शन से क्रिएट करते हैं, टू ऑन द कॉल साइड एंड टू ऑन द पुट साइड। सारे ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होते हैं। इस स्ट्रेटजी को इन चार स्टेप्स को फॉलो करके क्रिएट किया जाता है। Buying a 17,800 put at 30.8 rupees, selling a 18,200 put at 76.15 rupees, buying a 19,400 call at 25.95 rupees, selling a 19,000 call at 108.1 rupees. And remember, this strategy is creating in Nifty with month end expiry, that is 29th December. अगर मार्केट बेचे हुए ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के बियॉन्ड जाता है तो हमें लॉस होगा। अगर एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होना है तो मार्केट को सोल्ड स्ट्राइक प्राइस प्लस क्रेडिट रिसीव्ड के बीच में ही रहना होगा। फोर लेग्स यूज करने के बाद भी स्ट्रेटजी की मार्जिन रिक्वायरमेंट है 55,936। है ना अमेजिंग गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चैप्टर्स रीड कर सकते हैं। टेल अस व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स।
Read all the related documents carefully before investing.